ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में अकाने का सीन दिखाया जाता है फिर से, जो कि अपने स्नेक डेविल का इस्तेमाल करके गोस्ट डेविल को मार देती है। इधर कटाना मैन आके बताता है कि वो फेंट भाग चुकी है और अकाने यही कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें चेनसो मैन का हार्ट चाहिए, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट डेविल का एक हाथ बच चुका होता है, जो कि भाई छुपके से जाके डेंजी की कॉर्ड खींच देता है और यहाँ पे भाई डेंजी के चेनसॉस बजना शुरू हो जाते हैं और डेंजी इधर चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है कि मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है कि तुम दोनों बुरे हो और मुझे बुरे लोग काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि जब भी मैं उनको मारना शुरू करता हूँ तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे भाई डेंजी कूदता है कटाना मैन के ऊपर हमला करने के लिए और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अकाने समझ जाती है कि इन दोनों की आपस की टक्कर हो रही है और दोनों ही काफी ताकतवर है, तो इधर वो रिपोर्ट करती है कि यहाँ पे वेस्ट नारिमा बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे चेनसो मैन के साथ लड़ाई हो रही है, जल्दी से बैकअप भेजो। कटाना मैन और डेंजी इधर दोनों इक्वली लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे दो बंदे और जाते हैं कटाना मैन को सपोर्ट करने के लिए और वो कहता है कि इसके हाथ या फिर दिल पे गोली मारना, ठीक है यहाँ पे। लेकिन इतने भी डेंजी भाई आगे बढ़ के इन दोनों की वाट लगा देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह एक बंदा डेंजी के कंधे पे गोली मार देता है। डेंजी उसको पकड़ के एक हॉस्टेज की तरह रख लेता है और कहता है कि इसका भेजा उड़ा दूंगा अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़े तो। यहाँ पे कटाना मैन नीचे बैठ जाता है और कहता है बेवकूफ और अपने अटैकिंग स्टांस में आ जाता है। एकदम से वो गायब हो जाता है और डेंजी के पीछे आ जाता है। डेंजी सोचता है कि भाई ये चल कह रहा है। इतने में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डेंजी और साथ ही साथ उस बंदे दोनों के आधे हिस्से हो चुके होते हैं। इसके बाद कटाना मैन यहाँ पे डेंजी के पास आता है और उसके सर पे लगे हैंडल से उसको उठा लेता है और नॉर्मल हो जाता है। वो यही कहता है कि अब तक इसके डेविल हंटर वाले फ्रेंड्स मर चुके होंगे क्योंकि वो गन्स के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। या दूसरी ओर हमें हिरोकाजु फुशी और बाकी के डिविजन 4 मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है। साथ साथ माकिमा को भी इधर गोली मार दी जाती है, मतलब इन सबको यहाँ पे गोली मार दी जाती है। इधर माकिमा की ट्रेन ऑलमोस्ट क्योटो पहुंच चुकी होती है और वो बंदे जिन्होंने माकिमा को मारा होता है वो सोचते हैं कि चलो फिर अब हम भीड़ में शांति से घुल मिल जाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन तभी भाई माकिमा पीछे से उठ के खड़ी हो जाती है। भाई भूत नहीं है क्या? यहाँ पे क्योटो ट्रेन स्टेशन पे यूटारो कुरोसे और मिचिको टेंडो होते हैं जो कि ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो बताता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 इन चारों के ऊपर हमला हुआ है टोक्यो में। तो यूटारो मिचिको कहते हैं क्या इसका मतलब मिस माकिमा मर चुकी है और इतनी देर से हम उनका इंतजार कर रहे थे यार। तभी यहाँ पे ट्रेन आती है और ये लोग यहीं पे खड़े रहते हैं। सबके सब लोग यहाँ पे डर के बाहर आते हैं ट्रेन से और माकिमा भी यहाँ पे थोड़ी देर बाद बाहर आती है। उसके कपड़ों पे काफी खून लगा होता है और वो कहती है कि हमारे ऊपर गन फायर अटैक हुआ था, अंदर कुछ बॉडीज हैं, उन बॉडीज को ठिकाने लगा दो। यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि मिस माकिमा क्या आपको भी गोली लगी है? तो कहती है नहीं, ये खून मेरा नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन के अंदर वो जो सारे अटैकर्स थे वो मर चुके होते हैं और लिटरली उनका दिल गायब हो चुका होता है यार। इधर यूटारो और मिचिको दोनों माकिमा को बताते हैं कि टोक्यो में क्या चल रहा है और वो यही कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें टोक्यो जाना चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन माकिमा कहती है कि नहीं, हम समय पे वहां पे नहीं पहुंचेंगे और वैसे भी वो सारे के सारे लोग डेंजी के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए हम क्योटो में रह के कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो यूटारो तुम 30 ऐसे क्रिमिनल्स को इकट्ठा करो जिनको उम्र कैद की सजा मिली हो या फिर उससे भी बदतर। मिचिको मैं चाहती हूँ कि तुम आसपास में एक श्राइन को किराए पे लो और उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पे होनी चाहिए, याद रखना, और प्लीज मेरे को थोड़े साफ कपड़े ला के दे दो। यहाँ पे इन क्रिमिनल्स को इकट्ठा करना शुरू किया जाता है, इनको खाना वाना दिया जाता है। ये लोग यहाँ पे यही सोचते हैं कि इनको लेके कहा जाया जा रहा है, लेकिन इनको चुप करा दिया जाता है। यहाँ पे श्राइन में माकिमा नए कपड़े पहनती है और मिचिको बताती है कि वो सारे क्रिमिनल्स बस यहाँ पहुंचते ही होंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे इन क्रिमिनल्स को स्टेयर्स के नीचे उतारा जाता है और ये लोग श्राइन में आ जाते हैं। दूसरी ओर हमें कटाना मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि अकाने से कहता है कि यार मेरी तो वाट लग चुकी है, मैं थोड़े समय तक लड़ नहीं पाऊंगा। यहाँ पे उसके कुछ बंदे डेंजी को उठा के ला रहे होते हैं। तभी इनमें से एक देखता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। यहाँ पे वो सामने एक कौवे को बैठे हुए देखता है और वो कहता है कि यार मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। जब ये लोग सोच रहे होते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहता है, तभी भाई उसको यहाँ पे एकदम से कुचल दिया जाता है, सारी तरफ खून हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। अकाने यहाँ पे जल्दी से टीम ई को कॉन्टेक्ट करती है और कहती है कि हे मुझे बताओ तुम्हारा टीम सी से कॉन्टेक्ट हुआ है, उनसे कंफर्म करो कि माकिमा की लाश वहीं पड़ी है ना। तो टीम ई का मेंबर कहता है कि ना मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ टीम सी से, कुछ तो गड़बड़ चल रही है शायद। लेकिन इतने में भाई उसको भी कुचल दिया जाता है। यहाँ पे हमें श्राइन में दिखाया जाता है कि माकिमा के पास इधर मिचिको यूटारो और वो क्रिमिनल्स होते हैं और इन सबके आंखों पे पट्टी बांध दी गई होती है। यूटारो यही कहता है कि यार हमारे आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? तो मिचिको बताती है कि माकिमा डायरेक्टली चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है, इसलिए डेविल हंटर्स को इजाजत नहीं है कि उनको पता चले कि मिस माकिमा के किन किन डेविल्स से कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे माकिमा एक क्रिमिनल के पास आती है और बैठती है और उससे कहती है कि बोलो शुजो मिशिमा। यहाँ पे जैसे वो ये नाम रिपीट करता है माकिमा यहाँ पे अपने हाथों से कुछ साइंस बनाती है और दूसरी ओर हमें कटाना मैन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने कॉमरेड से कहता है हे मिशिमा क्या कर रहे हो, चलो डेंजी को उठाओ और गाड़ी में डालो जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ पे माकिमा उसको अपने हैंड साइन से भाई कुचल के रख देती है। यहाँ पे मिशिमा की ऐसी तैसी हो चुकी होती है और साथ ही साथ जिस क्रिमिनल ने उसका नाम लिया था वो भी यहाँ पे मर जाता है। माकिमा इधर इसके बाद दूसरे क्रिमिनल के पास आती है और कहती है कि बोलो टाकाशी इनोई। यहाँ पे वो बंदा ये रिपीट करता है जिसके बाद
बाद माकिमा उस कटाना मैन के बंदे को मार देती है, साथ ही साथ वो क्रिमिनल भी मर जाता है। यहाँ पे कटाना मैन के बाकी के बंदे भाई डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन माकिमा एक के बाद एक करके इन सबको कुचल देती है और बस कटाना मैन और अकाने को जिंदा छोड़ती है। वो मिचिको और यूटारो से कहती है कि चलो फिर अपनी आंखों से पट्टी हटा लो। जब ये लोग अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे क्रिमिनल्स मर चुके होते हैं और माकिमा यही कहती है कि हम यहाँ से जो भी कर सकते थे वो हमने कर लिया, अब चलते हैं टोक्यो। अकाने इधर यही सोचती है कि ये सब कुछ माकिमा ने किया है, इतनी खतरनाक ताकत भी इसके हाथ में होनी थी क्या? तो कटाना मैन और अकाने दोनों इधर देखते हैं कि दूर कोबेनी खड़ी होती है यार, और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब एक ग्रैनी यहाँ पे हिरोकाज़ू और कोबेनी के पीछे होती है उनको मारने के लिए। वो यहाँ पे हिरोकाज़ू को गले में गोली मारती है और उसके बाद जब वो इधर कोबेनी को मारने वाले होते हैं तो हिरोकाज़ू एक तरीके से आगे आके अपने सर पे गोली खा लेता है और कोबेनी को बचा लेता है। यहाँ पे उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ रखा होता है और साथ ही साथ एक रेडियो स्टेशन होता है उसके हाथ में, जैसा कि अकाने के पास होता है। कोबेनी कहती है कि मेरे ख्याल से तुम ही वो शूटर्स हो जिसने हमारे ऊपर हमला कराया था, है कि नहीं? यहाँ पे अकाने अपना एक और नाखून सैक्रिफाइस कर देती है और स्नेक डेविल के टेल को बुलाती है कोबेनी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो इजीली उसको टॉर्च कर देती है और फिर स्नेक डेविल के ऊपर ही भागना शुरू कर देती है। इधर कटाना मैन कोबेनी के ऊपर शूट करना शुरू करता है लेकिन वो काफी ज्यादा फास्ट होती है और वो कहता है कि भाई क्या बंदरिया है क्या ये। वो यहाँ पे काफी पास आ जाती है और कटाना मैन का एक हाथ ही काट डालती है। कोबेनी इधर उसके पीछे आती है और एक गन उठा के कटाना मैन को बैक से शूट कर देती है। इधर अकाने भी एक गन उठा लेती है और कोबेनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई कोबेनी काफी ज्यादा फास्ट होती है और वो सारे के सारे गोलियों से बच जाती है और आगे चल के वो डेंजी को उठा लेती है और उसको शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। इधर अकाने की तो फट जाती है और भाई वो कटाना मैन को कहती है कि अंदर जाके मरो। यहाँ पे उसको वैन में ढकेल देती है और खुद भी आगे बैठ के भाई भागने की कोशिश करती है। यहाँ पे कोबेनी भी इनके ऊपर शूट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई निशाना नहीं लगता है। उसने यहाँ पे डेंजी को पकड़ रखा होता है और वो उससे माफी मांगती है कि उसने पिछली बार उसको जान से मारने की कोशिश की थी। यहाँ पे वो हंसती भी है और साथ ही साथ रोती भी है क्योंकि हिरोकाज़ू यहाँ पे मर चुका है उसकी वजह से। वो याद करती है कि कैसे वो एकदम से भाग के ग्रैनी के पास गई थी और ग्रैनी की गन का इस्तेमाल करके उसी की खोपड़ी उड़ा दी थी। कोबेनी यही कहती है कि हिरोकाज़ू ने मेरी जान बचाई और उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। वो ये कहती है कि इस जॉब से तो उसका दिमाग खराब हो रहा है और वो एक दिन तो पागल हो ही जाएगी, तो अब जब भी वो हिमेनो से मिलेगी तो उसको बोल देगी कि वो क्विट कर रही है और ये नौकरी उसको नहीं करनी है। यहाँ पे उसको अभी नहीं बताया कि हिमेनो अब नहीं है। माकिमा मिचिको यूटारो इधर टोक्यो में आ जाते हैं और यहाँ पे सामने स्टेशन पे माडोका खड़ा होता है। माकिमा कहती है कि मुझे खुशी हुई माडोका कि तुम जिंदा हो, कितने लोग जिंदा बचे हैं? तो माडोका बताता है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 चारों पे हमला हुआ था और ज्यादातर सारे इंसान मर चुके हैं। मुझे सुपीरियर से ऑर्डर मिला है कि हमारे पास एजेंट्स की कमी होने की वजह से चारों स्पेशल डिवीजन को मर्ज किया जा रहा है टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 में और अब ये चारों डिवीजन आपके कंट्रोल में रहेंगे मिस माकिमा। माडोका यहाँ पे एक लेटर देता है माकिमा को और वो कहता है कि ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। ऐसा लगता है कि स्पेशल डिवीजन के मेंबर्स की जान यहाँ पे काफी ज्यादा खतरे में है और इस वजह से हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम नौकरी छोड़ दे या तो फिर हम मर जाएं। इससे पहले कि माकिमा यहाँ से जाए, माडोका कहता है कि जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इन सब चीजों के लिए तैयार थी? तो माकिमा कहती है कि मैं पब्लिक सेफ्टी के इंटरनल अफेयर्स आम लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी सर्विस के लिए शुक्रिया। यूटारो और मिचिको यहाँ पे यही कहते हैं कि माफ कीजिएगा लेकिन हम आपका डिवीजन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हम तो यहाँ सिर्फ एडवाइजर्स के तौर पर आए हैं, एक हफ्ते बाद हम फिर से क्योटो में चले जाएंगे। तो माकिमा कहती है ओ ये तो काफी बुरी बात है क्योंकि टोक्यो के रेस्टोरेंट्स काफी कमाल के होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अब यार नेक्स्ट एपिसोड आएगा एक हफ्ते बाद, ठीक है? और अब तो यार मतलब मैं तुम्हें सबसे पहले वीडियो ला के दूंगा क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ फॉर्म में, तो ऑब्वियसली बात है यार आप जैसे ही वेडनेसडे की रात को यू नो एपिसोड आता है मैं रात में बना के डाल दिया करूंगा, जो लोग वेट करेंगे वो देख सकते हैं, ठीक है? आपको पता ही है कि नेक्स्ट प्लेन पे मैं अटैक ऑन टाइटन भी ऐसे ही कवर किया करता था, रात में जाके वीडियोस बना दिया करता था। तो यार रात में जाके वीडियोस बना रहा तो सपोर्ट तो कर ही सकते हो यार, लाइक वाइक कर सकते हो यार, शेयर कर सकते हो और लोगों के साथ जिससे कि यू नो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये वीडियो और मेरे को सपोर्ट मिले। बाकी तब तक आप मेरे चैनल पे बाकी सीरीज चेकआउट कर सकते हो और जिन लोगों ने यार अभी तक 8th एपिसोड नहीं देखा है यार वो आ जाएगा। मैंने पहले ये डाल दिया क्योंकि यार ये जरा हॉट टॉपिक चल रहा था, है ना? 9th एपिसोड अभी आया था, मेरे को पता है मैं यू नो रेस में थोड़ा पीछे रह गया हूँ, है ना? बट 8th एपिसोड जल्दी से आ जाएगा। जो भी लोग है जिन्होंने मेरी ये वीडियो देख ली है, स्पॉयलर मिल गया जिनको, आई एम सॉरी यार, लेकिन मैंने 7th वीडियो के एंड में ऑलरेडी कहा था कि यार थोड़ा वेट करना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।